Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हाल ही में पेरिस में हुई कॉन्फ्रेंस में 60 देशों ने मिलकर एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन को चेंज किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसआई यूनिट्स क्या होते हैं और एसआई यूनिट्स की रीडेफिनेशन क्यों की है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। तो एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? साइंटिस्ट किसी क्वांटिटी को नापने के लिए जिस मेट्रिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे हम एसआई यूनिट से संबोधित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी राशि के मापन निर्देश मानक को मात्रिक या एसआई यूनिट कहा जाता है। एसआई यूनिट्स का आविष्कार 1960 में सीजीपीएम की वेट्स एंड मेजर्स की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ। एसआई यूनिट्स के आविष्कार की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हर देश के मापन की यूनिट्स अलग अलग थीं। इसी कारण कभी कभी मापने में परेशानी हुआ करती थी। एसआई यूनिट्स के आविष्कार से इस परेशानी का हल निकल पाया और तब से एसआई यूनिट्स का प्रयोग शुरू हुआ। 1960 में इस कॉन्फ्रेंस में 7 एसआई यूनिट्स की घोषणा हुई। मीटर, सेकेंड, मोल, केविन, कैंडेला, किलोग्राम और एम्पियर। लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग शुरू हुआ। समय को मापने के लिए सेकेंड का, करंट को मापने के लिए एम्पियर का, तापमान को मापने के लिए केल्विन का और वेट को मापने के लिए केजी का। लेकिन काफ़ी समय से चल रही एक रिसर्च में इन एसआई यूनिट्स को एक स्टैंडर्ड यूनिट से बदल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जिसे BIPM से संबोधित किया जाता है ने हाल ही में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस जनरल कॉन्फ्रेंस में 60 देशों ने भाग लिया। 13 नवंबर 2018 से 16 नवंबर 2018 तक हुई इस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई कि पुरानी एसआई यूनिट्स को अब बदल दिया जाएगा। उनके अनुसार सारी एसआई यूनिट्स अब यूनिवर्सल कांस्टेंट के टर्म्स में ली जाएंगी। जैसे केजी को अब प्लैंक कांस्टेंट से रिप्लेस किया गया है, ऐसे ही एम्पियर को इलेक्ट्रिकल चार्ज से, केल्विन को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से और मोल को एवोगाड्रो कांस्टेंट से। ये चेंजेस 20 मई 2019 से लागू होंगे। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण दूसरे देशों के अलग अलग यूनिट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था। जैसे भारत में 1 किलो किसी अन्य प्रदेश या किसी अन्य देश में शायद 750 ग्राम्स हुआ करता था। इसी कारण जब मापने में परेशानी का सामना होना शुरू हुआ तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए नई एसआई यूनिट्स का निर्माण हुआ। उनके मुताबिक ऐसा करने से भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी भी इन्हीं एसआई यूनिट्स का प्रयोग कर पाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पुरानी एसआई यूनिट्स का साइज चेंज नहीं किया गया है लेकिन नई यूनिट्स मीटर और कैंडेला को ज्वाइन करेंगी। ऐसा करने का मुख्य कारण एसआई बेस यूनिट्स को स्टेबल करना है। तो ये थी रीसेंट अपडेट एसआई यूनिट्स की रीडेफिनेशन पर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस एसआई यूनिट्स की रीडेफिनेशन पर अगर आपको कोई क्वेरीज या आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। टेस्टबुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।